नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा रूबी मेयर्स, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, रूबी मेयर्स को हम सुलोचना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। रूबी मेयर, इनका जन्म 1907 में महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। रूबी मेयर 1930 के दशक में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री थी। 1930 के दौर में सुलोचना इंडिया फिल्म इंडस्ट्री की शीर्ष अभिनेत्री थी। उन्होंने शुरुआत तो मुख्य फिल्मों के समय से की, लेकिन बोलती फिल्म के दौर की शुरुआत में भी उनका सिक्का फिल्म इंडस्ट्री पर खूब चला। हिंदी सिनेमा में विशेष योगदान के लिए सन 1973 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। रूबी मारिया, जिन्हें हम सुलोचना के नाम से जानते हैं, मुख्य फिल्मों के दौर में ही सुलोचना के खाते में कई हिट फिल्में थी। बोलती फिल्मों के आने के बाद सुलोचना का कैरियर थोड़ा सा ठंडा हो गया। सुलोचना असल में क्रिश्चियन थी और उन्हें हिंदुस्तानी भाषा बहुत अच्छे से नहीं आती थी। बोलती फिल्म के आने के साथ ही डायलॉग बोलने की दक्षता की जरूरत पड़ गई। ये सुलोचना के करियर के लिए एक धक्का सा था। कुछ वक्त ऐसा ही चला, मगर फिर सुलोचना ने हार ना मानने का फैसला लिया। उन्होंने एक साल का ब्रेक लेकर हिंदुस्तानी धड़ल्ले से बोलने की तालीम ली और फिर वापसी की। सबसे पहले उन्होंने 1920 के दौर में बनी अपनी फिल्म का रीमेक 1930 के दौरान रिलीज हुई। सभी फिल्में बहुत सफल हुई और सुलोचना फिर टॉप पर पहुंच गई। मगर 1940 से सुलोचना के करियर में ढलान चालू हो गया और फिर वो संभल ना सकी। नए अभिनेत्रियों के सामने सुलोचना मुकाबला नहीं कर सकी। चरित्र भूमिकाओं के सहारे उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन फिर कभी हालात पहले जैसे ना हो सके। सुलोचना, जिसे हम रूबी मेयर्स के नाम से जानते हैं, इन्होंने अनारकली नाम की तीन फिल्में की। तीनों एक ही कहानी का रीमेक थी। पहली अनारकली, जिसमें सुलोचना मुख्य अभिनेत्री थी। मुख्य फिल्मों के दौर में बनी जब सुलोचना ने बोलती फिल्मों में वापसी की, तो उन्होंने अपनी फिल्म अनारकली को फिर से बनाकर फिर उसमें लीड रोल किया और फिल्म जबरदस्त चली। तीसरी अनारकली उनके हिस्से में आई तब जब वो अपने खत्म होने के करियर को संभालने की कोशिश कर रही थी। इस अनारकली से उनकी वापसी की, लेकिन अनारकली नहीं, सलीम की मां के रोल में। सुलोचना जी की कुछ प्रसिद्ध फिल्में, सिनेमा क्वीन 1926 में आई, टैपिस्ट गर्ल 1926, माधुरी 1928, वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे 1927, अनारकली 1928, हीर रांझा 1929, इंदिरा बी ए 1929, सुलोचना 1933, बाज 1953, नीलकमल 1958, खट्टा मीठा 1978, शायर 1939, शायर 1949, बाज 1953, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1978, आम्रपाली 1966, जूली 1975, खट्टा मीठा 1978। रूबी मेयर की लोकप्रियता का हाल यह था कि एक आयोजन के मौके पर खादी एग्जीबिशन मुक करते हुए महात्मा गांधी पर बनी एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाते वक्त आयोजकों ने उसके साथ ही फिल्म माधुरी, मुख दौर की फिल्म थी, सुलोचना का एक प्रसिद्ध नृत्य दृश्य के कुछ साउंड इफेक्ट को ऐड करके चला दिया। कहा जाता है कि सुलोचना को उन दिनों बॉम्बे के गवर्नर से भी ज्यादा पैसा मिला करता था। यह रकम थी 5,000 रुपए। वो इतना कमाने वाली एकलौती अभिनेत्री थी। सुलोचना के पास एक शेवरॉन 1935 थी, जिसे वो खुद चलाती थी। सुलोचना और डी बिल्ली मोरिया का अफेयर बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1933 से 1939 के बीच सुलोचना ने सिर्फ बिल्ली मोरिया के साथ ही फिल्में की। इसके बाद दोनों में दूरियां होने लगी। डी बिल्ली मोरिया उस जमाने के सुपरस्टार हीरो थे। रूबी मेयर, जिसे हम सुलोचना के नाम से जानते हैं, 10 अक्टूबर 1983 को मुंबई में इनका निधन हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।